यूपी के आगरा में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस के सिपाही की बेटी की पहले बेरहमी से हत्या की गई, जिसके बाद उसके शव को जला दिया गया। अगले दिन पुलिस को सूचना मिली तो लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कल सुबह मॉर्निंग में जब गश्त से हमारे कॉन्स्टेबल लौट रहे थे सुबह 4 बजे, तो एक युवती उन्हें घास में जलती हुई दिखाई दी, एक लाश जलती हुई दिखाई दी, जिस पर वो पहुंचे और उसे उन्होंने बुझाया। बाद में उसका पंचनामा पोस्टमार्टम किया गया और बाद में इसकी शिनाख्त हुई और शिनाख्त के बाद ये पता चला कि इसके एक लड़के के साथ संबंध थे और ये लड़की उसके यहाँ गई थी और जाने के बाद वहाँ पर इनमें आपस में तकरार हुई और लड़के ने इसका मर्डर कर दिया और मर्डर करके लड़का और उसका बाप दोनों इस बॉडी को एक गठरी में बांध के, एक कपड़े में बांध के जहाँ पर ये मिली थी वहाँ पर फेंक के गए और उसे जो है वो तेल डालकर जलाना चाहा। उसका पेट और नीचे का हिस्सा जल गया था, ऊपर का हिस्सा कॉन्स्टेबल्स के वहाँ पहुँचने पर बच गया था। इस संबंध में उस लड़के की जिससे इस पे संबंध थे और इसके फादर की गिरफ्तारी हुई है। इस लड़की का जो मोबाइल उन्होंने फेंका था उसे बरामद किया गया है, उसका जूता उसके घर से बरामद किया गया है और बाकी साक्ष्य संग्रह करके उन्हें जेल भेजा गया।